तो अपडेट आ रही है कि जो प्रोजेक्ट के में जो के जो टाइटल है इसका जो है नाम रिवील हो चुका है, जहाँ के फॉर जो है कल्कि से लिया जा रहा है। कल्कि मतलब जो भगवान विष्णु के जो दसवें अवतार, इसके बारे में कहा जाता है कि वो आने वाले भगवान विष्णु के अगले अवतार है, जो कि कली का वध, जो कलियुग का जो सबसे बड़ा राक्षस होने वाला है कली, उसका वध करेंगे, जिससे जो है फिर से सतयुग की प्रारंभ में शुरुआत हो जाएगा। असुर वेब सीरीज में आपने देखा होगा कि बताया जाता है कि कल्कि जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लेके जो है कली का वध करेंगे, तो इस प्रकार जो है टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड दिख रही है हमारी प्रोजेक्ट के। आपने देखा होगा फिल्म के पोस्टर से, क्लिप्स से, जहाँ दिखाया जा रहा है कि ये जो है एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म, साइंस फिक्शन फिल्म देखने को मिल रही है। इसमें जो है प्रभास का कहा जा रहा है कि कैरेक्टर जो भगवान विष्णु के अवतार से प्रेरित होने वाला है, तो देखते हैं कि क्या कल्कि अवतार से जो है भगवान विष्णु के जो प्रभास का कैरेक्टर उससे बेस्ड होगा, या फिर वो टाइम ट्रेवल के समय में पीछे जाके भगवान श्री राम जी या फिर भगवान श्री कृष्ण जी के किसी अवतार के बारे में दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर इसमें जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाने वाले, ये कहा जा रहा है आदि पुरुष में तो जो है प्रभास का इतना पूरा हाल कर दिया गया था, इतना ट्रोल हुए थे वो, तो देखते हैं कि फिर वो रिस्क लेके इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ऐसे फ्यूचरिस्टिक फिल्मों की बात करें, ऐसे एक्सपेरिमेंटल फिल्मों की बात करें, तो तेलुगु इंडस्ट्री से आने वाली बिंबिसारा जो है एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी नंदमूरि कलियाराम की, और वही जो है एक मानडू नाम की फिल्म आई थी एसटीआर की, वो भी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट में गई थी। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फिल्मों को जो है जनता पसंद कर रही है, ऐसा तो देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि प्रभास जो है भगवान विष्णु के कौन से रोल के कैरेक्टर में, जो कौन से अवतार में जो है दिखते हैं प्रोजेक्ट के में, और एक साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली है, तो क्या आप इससे क्या एक्सपेक्टेशन है ये बताइए। क्योंकि इसमें जो अमिताभ बच्चन है, दीपिका पादुकोण और कमल हसन जो है, जिसके बारे में अगर आप जानते हैं इनके जो फिलोसॉफी थिंकिंग है वो तो किसी वोकिज्म से कम नहीं है, किसी सनातन बोले से कम नहीं है। प्रभास जो है एक नाम जिसके कारण इसके लिए एक्साइटेड है, क्योंकि प्रभास ही तो है जिससे उम्मीद रख सकते हैं, इसलिए आदि कुछ से उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो है प्रभास वही हमें धोखा दे देते हैं। देखते हैं प्रोजेक्ट के में जो है किस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल करते हैं, और भगवान विष्णु के जो है कौन से अवतार की कहानी को इससे जो है रिलेट करके या लिंक करके दिखाया जाता है, और कमल हसन को उसमें विलन के रूप में लिया गया है। देखते हैं कि सारे इंडस्ट्री से कोई ना कोई एक्ट्रेस को, एक्टर को यहाँ लिया गया है, तो देखते हैं कि फिल्म जो है कैसे निकल के आता है। क्योंकि सलार तो जैसे तैसे करके KGF यूनिवर्स के नाम से, प्रशांत नील के नाम से, प्रभास के स्टार्डम के नाम से निकल ही जाएगा, अच्छे से चले ही जाएगा, ये सभी को पता। लेकिन जो सबसे बड़ी उम्मीदें की जा रही है, जो नया जो है कुछ उम्मीदें हमें देखने को मिल रही है, वो जो है प्रोजेक्ट के से देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या आप प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हैं, कि आप इसमें देखना चाहते हैं प्रभास को भगवान विष्णु के किसी अवतार में या कल्कि अवतार में, कमेंट करके जरूर बताइए।